सनसनी ऑफ इंडिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो दिन में गली गली घूमकर साड़ी बेचते और रात होते ही लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। यह गैंग सिर्फ सोने के आभूषण पहने लोगों को ही निशाना बनाता था। इस गैंग ने दिल्ली एनसीआर में डकैती और लूट की सिलसिलेवार वारदात को अंजाम देकर आन तक मचा रखा था। गैंग एक ही दिन में 5 से 6 लूटपाट और डकैती की वारदात को अंजाम दे देता था। यह गैंग इतना शातिर था कि लूटपाट की वारदात के लिए चोरी के वाहन इस्तेमाल करता था। गैंग के 2 बदमाश यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद मुस्तकीम और 35 वर्षीय मेहदी हसन को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना मोहम्मद मुस्तकीम है। गैंग के 3 सदस्य सुल्तान, सावेज और एक अन्य अभी फरार हैं। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के 9 मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर बाकी वारदातों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की कार, पिस्टल, सोने की चेन, अंगूठी और लूटा गया स्कूटर बरामद किया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी श्वेता चौहान के अनुसार शिकायतकर्ता नितिन धवन ने बताया कि दिनांक 8 जून 2022 की रात करीब 10:25 के आसपास वह अपने दोस्त के साथ अपने घर के पास खड़ा था। तभी राजस्थान नंबर RJ 2541 की एक शेवरले क्रूज कार से अचानक 4 लोग नीचे उतरे और हथियार के बल पर नितिन से मारपीट कर वे उसकी सोने की चेन, सोने का कड़ा और सोने की अंगूठी लूटकर अपनी कार में मौके से फरार हो गए। इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना को लेकर थाना राजेंद्र नगर में FIR संख्या 167/22 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लूट की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। इसी महीने की 8 जून को एक ऐसा वाकया हुआ राजेंद्र नगर के इलाके में, जिसमें कि कुछ लड़कों ने नकाब पहन के आए वो, और उन्होंने एक व्यापारी को जो अपने घर के बाहर ही खड़े हुए थे उनको लूट लिया। उससे कड़ा, गोल्ड चेन और रिंग, ये 3 चीज़ें उतरवा ली। और एक कार में यह असेलेंट्स आए, कार का एक नंबर का कुछ हिस्सा हमें मिल गया जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, और वो वहाँ से भाग गए। तो जो जांच, ये जो पूरा वाकया हुआ ये वहाँ रोड पे लगे सीसीटीवी कैमरे में आ गया था, और जिससे कि थोड़ा सा पैनिक का एक माहौल भी बना। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने एक जॉइंट टीम अपने यहाँ पे बनाई, जिसमें कि हमने सेंट्रल ज़िले की AATS और स्पेशल स्टाफ को इन्वॉल्व किया, और साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशन की टीम थी उसने भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए DCP श्वेता चौहान ने 2 टीमों का गठन किया। योगेश मल्होत्रा ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व संदीप गोदारा इंचार्ज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट AATS के नेतृत्व में पहली टीम SI मजीद खान, रविशंकर, ASI अजय, उमेद, कंवर पाल, राकेश, परवीन, लुकमान, हैद, कांस्टेबल विनोद, शेखर, निर्मल, सुरेंद्र, परवीन, अतुल, संदीप, धीरज और राजेश की बनाई गई। राजेश बराड SHO राजेंद्र नगर के नेतृत्व में SI धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल प्रदीप और नरेंद्र की दूसरी टीम का गठन किया गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ATS की टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला। CCTV फुटेज को बारीकी से स्कैन करने पर टीम ने पाया कि राजस्थान नंबर RJ 2541 की एक शेवरले क्रूज कार से 5 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सभी संदिग्धों ने मास्क और टोपी पहन रखी थी। जीपनेट पर सर्च करने पर टीम को पता चला कि वारदात में इस्तेमाल कार को दिनांक 2 जून 2022 को गाजियाबाद इलाके से लूटा गया था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ATS इंचार्ज संदीप गोदारा की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान करना था। ATS इंचार्ज संदीप गोदारा ने दिल्ली NCR में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। जांच के दौरान टीम को यह भी पता चला कि राजेंद्र नगर की घटना से पहले उसी दिन सुबह हरिनगर इलाके में स्कूटी सवार एक युवक से हथियार के बल पर सोने की चेन उसी कार में सवार होकर लूटी गई थी। टीम को शकरपुर इलाके की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली, जिसमें कुछ बदमाश बंदूक के दम पर एक दुकानदार को लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुकानदार के शोर मचाने पर सभी बदमाश मौके से भाग गए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ATS इंचार्ज संदीप गोदारा की टीम CCTV फुटेज में कैद अपराधियों के क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी की मदद से उनकी पहचान के लिए अथक प्रयास कर रही थी। शुरुआती जांच में टीम को पता चला कि यह गैंग पहले स्कूटी, बाइक या कार को लूटता है, फिर पुलिस को चकमा देने के लिए उसी वाहन से वारदात को अंजाम देता है। टीम को यह भी पता चला कि यह गैंग इतना शातिर है कि 1-2 वारदातों के बाद चोरी के वाहन को छोड़ देता था और आगे वारदातों के लिए दूसरे वाहन को लूटता था।
इस इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला जब हम आगे बढ़े कि ये जो असेलेंट थे इन्होंने जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया था उसी गाड़ी ने सेम 8 ही तारीख को 8 जून को सुबह के वक्त हरिनगर में भी ऐसी एक वारदात की थी जिसमें कि मुकदमा हरिनगर में दर्ज था। ये असेलेंट जो इनके हाव भाव और हरकतों से लगा कि ये लोग काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। जो गाड़ी के बारे में जब हमें पूरा नंबर मिल गया, गाड़ी को हम लोगों ने ट्रैफिक के लगे कैमरा से और जो दिल्ली पुलिस के जो बाकी कैमराज भी लगे हुए हैं उनसे उसको हम लोगों ने फॉलो किया और रूट जब इस्टेब्लिश किया गया तो पता चला कि ये गाड़ी खुद भी एक चोरी की गाड़ी है। तो इस गाड़ी की जो चोरी नहीं बल्कि लूट के लाई गई गाड़ी है, कार जैकिंग की घटना इसके साथ हुई थी। तो ये घटना गाज़ियाबाद में हुई थी, दिल्ली के ही एक काम करने वाले व्यापारी वहाँ से जा रहे थे रात के वक्त और कुछ लड़कों ने एक स्कूटी पर आकर उसको लूट लिया, गाड़ी को उसे छीन कर ले गए। उससे हमें उस स्कूटी का पता चला तो वो भी एक जगह से चोरी की थी। तो इससे ये ज़रूर पता चल गया कि एक डेस्परेट गैंग है जो गाड़ियों को, स्कूटीज़ को, बाइक्स को चुरा रहे हैं, फिर उस पर वारदातें कर रहे हैं और भाग रहे हैं। राजेंद्र नगर की डकैती की घटना के बाद टीम ने 5 दिनों तक कड़ी मेहनत की और राजेंद्र नगर से डाबरी तक 20 किलोमीटर के दायरे में जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। राजेंद्र नगर में डकैती की वारदात को अंजाम देकर चोरी की शेवरले क्रूज कार से भागते समय बदमाशों ने कई जगह रेड लाइटों को जंप किया था। रेड लाइट जंप करने का ऑफेंस ट्रैफिक के कैमरों में कैद हो गया था। ट्रैफिक के कैमरों की मदद से टीम ने गैंग के आने और जाने का रूट बनाया तो पता चला कि डाबरी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। किंतु टीम के पास न तो बदमाशों का कोई मोबाइल नंबर था न ही यह पता था कि डाबरी इलाके के किस घर में छुपे हुए हैं। लेकिन ट्रैफिक के कैमरों से मिले चोरी की शेवरले क्रूज कार के रूट से टीम इस बात के लिए जरूर श्योर थी कि बदमाश डाबरी इलाके में ही कहीं आकर छुप गए हैं। डाबरी जैसे घनी आबादी भरे इलाके से एक शेवरले क्रूज कार खोजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एटीएस की टीम पीछे नहीं हटी और डाबरी इलाके में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। लेकिन मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद भी टीम के हाथ कुछ न लगा। अब गैंग को दबोचने के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एटीएस इंचार्ज संदीप गोदारा ने दूसरा रास्ता अपनाया। टीम अब खबरियों की दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। बदमाशों को दबोचने के लिए संदीप गोदारा ने डाबरी इलाके में हर घर, दुकान, ऑफिस, पार्किंग व धार्मिक स्थलों पर खड़ी हर एक शेवरले क्रूज कार को जांचने की रणनीति बनाई। साथ ही संदीप गोदारा इंचार्ज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एटीएस को एक बात का यह भी डर सता रहा था कि गैंग एक दो वारदातों के बाद वारदात में इस्तेमाल वाहन को बदल देता है। अगर गैंग ने शेवरले क्रूज कार का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले ही गैंग के लोग शेवरले क्रूज कार को बदले डाबरी इलाके से वारदात में इस्तेमाल शेवरले क्रूज कार को हर हाल में खोजा जाए, क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी पे जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें एक आध जगह उसमें पिस्टल के इस्तेमाल का भी पता चला और इस तरह की घटनाओं को हमने एक ट्रेल बनाया, एक मिलकर टीम बनाई, कई सारे सीसीटीवीज को खंगाला गया और उसके बाद ये मालूम चला कि ये लगातार ये एक्टिव हैं। और उसके पहले भी हमारे राजेंद्र नगर में बाइक पर एक इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें गन पॉइंट पे उन्होंने व्यापारी से उसकी चेन और अंगूठी उतरवाई थी। तो इन सबको जोड़ते हुए हमारी टीम ने जब इस गाड़ी का, और हमारे पास टाइम भी कम था क्योंकि जैसे ये गाड़ी को थोड़े दिन इस्तेमाल करते हैं फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो हमने उसको फॉलो किया, उसमें कैमरा से उसका ट्रेल बनाया। कल शाम के वक्त मैन्युअली जब हमने कुछ इलाकों को हमने ग्रिड बना के उसकी छानबीन शुरू की कि गाड़ी वहीं कहीं खड़ी हो सकती है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा था। संदीप गोदारा इंचार्ज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एटीएस ये अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के डिवीजन और सब डिवीजन होते हैं जिन्हें आगे बीट में बांटा जाता है। एक कांस्टेबल को एक बीट मिलती है और कांस्टेबल जिम्मेवारी होती है कि वो अपने इलाके के हर इंसान की पूरी जानकारी रखे। संदीप गोदारा इंचार्ज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एटीएस ने डाबरी इलाके के चप्पे चप्पे को छानने के लिए बीट कांस्टेबलों की मदद ली। टीम ने बड़े स्तर पर डाबरी इलाके में शेवरले क्रूज कार को खोजने का सर्च अभियान चलाया। टीम की मेहनत रंग लाई। सस्पेक्ट शेवरले क्रूज कार डाबरी इलाके के नाला रोड सड़क के किनारे स्पॉट हो गई। एक टीम ने कार के पास ट्रैप लगाकर इंतजार किया। तो इस गाड़ी को हमने ढूंढ लिया और गाड़ी पे नंबर प्लेट जो है वो ओरिजिनल लगी हुई है। ये एक ह्यूंडई की ये गाड़ी है और इसका जो है हमने इस को ट्रैप लगाया। थोड़ी देर के बाद उसको चलाने वाले जो थे वो उसमें आए, उनको पुलिस ने दबोच लिया
और उनको पकड़ने के बाद मालूम चला उनके पास एक पिस्टल भी था, उसने इनफैक्ट पुलिस के ऊपर पिस्टल कॉक कर दिया, लेकिन हमारी टीम ने समझदारी सूझबूझ दिखाते हुए बिना कोई भी बल का प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया और उनको अरेस्ट किया। जैसे ही मुस्तकीम और मेहंदी हसन कार के पास पहुंचे, पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। इन लोगों ने लूटपाट में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली। मुस्तकीम ने बताया कि वो गैंग लीडर है। गैंग का सरगना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र दिलशाद 10वीं तक पढ़ा है और उत्तम नगर में किराए पर रहता था। यह सड़क पर फेरी लगाने वाले के रूप में साड़ी और लेडी सूट बेच रहा था। इसके खिलाफ पहले से ही थाना उत्तम नगर में FIR संख्या 973/20 धारा 394/34 के तहत एक मामला दर्ज है। यह सद्दाम गोरी गिरोह का प्रमुख सदस्य है। सद्दाम गोरी फिलहाल जेल में है, अब इसने इस गिरोह को चलाना शुरू कर दिया है। गैंग का दूसरा 35 वर्षीय आरोपी मेहंदी हसन पुत्र रियाज भी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह भी सड़क पर फेरी लगाने वाले के रूप में साड़ी और सूट बेचता था। यह सुल्तान और मुस्तकीम के संपर्क में आया और लूटपाट शुरू कर दी। इनकी गिरफ्तारी से दिल्ली NCR में डकैती के 9 मामलों का पर्दाफाश हो गया है। इनके पास से लूटी शेवरले क्रूज कार, एक स्कूटी, एक सोने की चेन, 2 अंगूठियां, एक ऑटोमेटिक बरेटा पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी से थाना राजेंद्र नगर के 2, थाना हरी नगर के 3, थाना मधुबन बापूधाम उत्तर प्रदेश का 1, थाना पश्चिम विहार का 1, थाना पश्चिम विहार ईस्ट का 1 व थाना जहांगीरपुर का 1 मामला सुलझ गया है। गैंग के 3 सदस्य सुल्तान, सावेज और एक अन्य अभी फरार हैं। पुलिस फरार बदमाशों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। तो जो 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया, ये एक मुजफ्फरनगर का गैंग है, मुजफ्फरनगर के खालापाड़ इलाके के रहने वाले हैं। कुछ दिन वहाँ रहते हैं, कुछ दिन यहाँ दिल्ली में आके किराए के घरों में रहते हैं। फेरी लगाने के बहाने से ये दिल्ली में आते हैं, साड़ी बेचने के लिए, सलवार कमीज़ बेचने के लिए लेडीज़ का, और कुछ दिन यहाँ फेरी लगाते हैं और उस तरह के वारदातें भी करते हैं। कुछ दिन काम करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो 2 मेंबर्स को हमने पकड़ा है, जो इनका सरगना भी जिसका नाम सामने आया है, मुस्तकीम है। और मुस्तकीम जो है वो एक सद्दाम गौरी गैंग जो कि आउटर दिल्ली में उत्तम नगर की तरफ एक्टिव था, उसका एक्टिव मेंबर रह चुका है। अब क्योंकि वो जेल में है तो ये अपना काम अलग ही कर रहा है और डेस्परेट है। सभी लोग अपने साथ पिस्टल रखते हैं। हमने कल इनसे एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की है जो इसके साथ ही थी। अच्छी बात ये रही कि हमारी जो वारदात हुई थी उसमें जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी हमें उससे मिल गए हैं, इंक्लूडिंग द मास्क। तो वही शर्ट, वही मास्क को पहने हुए हमें वो मिल गया है, तो हमारी वारदात से ये कनेक्ट हो गया है। और उसका जो दूसरा साथी है उसका नाम है मेहंदी हसन, जो इन वारदातों में उसके साथ रहा है, वो भी पिस्टल अपने साथ कैरी करता है। बाकी जो इसके जो जानकारी हमें मिली है, 3 और लोगों के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें 2 के नाम हमारे पास आ गए हैं, तो हमारी टीम उसको भी ढूंढने में लगी है। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.com।
www.hindi.in।